Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? Welcome back to my new blog. तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने. आज आप लोगों को पता ही होगा कि आने वाले कुछ दिनों में आ रहा है कोलकाता में बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा. उसी बात का शॉपिंग अभी चल रहा है. शॉपिंग तो बहुत दिनों से चल रहा है, पर आज कुछ थोड़ा बहुत काम है वो कम्प्लीट करने जा रहे हैं. एक साथ रहिए, मजा बहुत आने वाला है. तो घर से निकल के बाइक लेके हम लोग निकल चुके हैं शाम बाज़ार जाने को. और जाते जाते सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ये जो बाली ब्रिज है, दक्षिणेश्वर ब्रिज क्रॉस करते करते, मतलब बाली ब्रिज क्रॉस करते करते माँ गंगा के ऊपर से होते हुए जाना और सामने दक्षिणेश्वर मंदिर देखना, ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं शाम बाजार और चलते हैं शॉपिंग करने. देखते हैं क्या क्या पसंद आता है क्या क्या नहीं. वहां जाके आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या किसी और को गिफ्ट देने के लिए ले रहे हैं या फिर ऑर्नामेंट्स कुछ भी. ओके, तो अब मैं आ चुका हूँ शाम बाजार पाइप पॉइंट. तो यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स हाथी बागान, जहाँ पर सब कुछ हमें मिलने वाला है. और अभी से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कितना सारा भीड़ है. और हाँ, ये पूजा के लिए तो है ज़रूर, पर बाकी दिनों में भी ऐसा ही भीड़ आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए लोग सच में तरसते हैं. यहाँ पर आके शॉपिंग करना हर एक का एक हॉबी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं. हाथी बागान में अगर आप शॉपिंग करने आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं. यहाँ पर सब कुछ मिलता है, जैसे कि सजने की चीज़ें तो सजाने की चीज़ें, जैसे कि घर सजाने की चीज़ें या फिर गाड़ी सजाने की चीज़ें, भगवान को सजाने की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा. ऐसा बहुत कम चीज़ है जो यहाँ पर शायद भी ना मिलती हो. मैं तो फिर भी बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आप आज बहुत कम भीड़ देख रहे होंगे, लेकिन दुर्गा पूजा जितना करीब आता जाता है और यहाँ पर लोगों की भीड़ उतनी बढ़ती जाती है. अभी तो हम लोग यहाँ आराम से घूम पा रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप यहाँ पर आराम से घूम ही ना पाए. यहाँ पर आपको मॉल से लेके फुटपाथ में छोटी छोटी दुकान भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप कम दामों की सामान और ज़्यादा दामों की सामान सब कुछ ले पाएंगे. आप चाहे तो यहाँ पर सिटी मार्ट, बाज़ार कोलकाता, एम बाज़ार, सब कुछ मिल जाएगा. आप इसका मतलब हुआ क्या, आप आएंगे एक जगह शॉपिंग करेंगे पूरा, घर चले जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा. पर टाइम तो बच जाएगा, लेकिन पैसा बचेगा कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं. लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर आके सही से बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप गेनर हो, नहीं तो ये लोग आपको लूट लेंगे. Thank you.
और अब आ चुके हम लोग सिटी मार्ट। सिटी मार्ट से हमें कुछ खरीदने का था, पर वहाँ जाके थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी करने के बाद हमें वीडियो उठाने के लिए मना कर दिया, इसीलिए हम लोग वीडियोग्राफी नहीं कर पाए और मजबूरन हमें वीडियो बंद करना पड़ा। तो अभी हम लोगों का शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी धीरे धीरे करके चलते हैं घर की तरफ। और घर जाते जाते बहुत सी मस्तियाँ की है हम लोगों ने, जैसे कि गोलगप्पे खाना, मतलब बंगालियों की फुचका खाना, भेलपूरी खाना, पापड़ी चाट खाना, बहुत सारी मस्ती किया है ऐसे। और धीरे धीरे करके घर की तरफ चलते हैं, मतलब यहाँ से जाएंगे, बाइक लेंगे, बाइक लेने के बाद सीधा घर, घर जाके मुलाकात होगी आप लोगों से। और जो जो चीज़ हम दिखा नहीं पाए, कोशिश करेंगे कि अगली बार आप लोगों को ज़रूर दिखा सके। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग देख रहे थे शाम बाजार का शॉपिंग का जगह, जहाँ पर जाने के लिए लड़कियाँ बेताब होती रहती हैं। और पूजा के टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं पूजा का शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर ऑर्नामेंट्स और भी बहुत कुछ मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आगे भी बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हे गाइस, तो मेरा शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं कुछ कारण से पूरा का पूरा वीडियो नहीं दिखा पाया आप लोगों को, मतलब वहां पर शूटिंग करना अलाउड नहीं था या फिर रास्ते में बहुत ज्यादा कंजेशन था इसीलिए। तो बाद में आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या खरीदा हुआ है यहाँ पर। पैंटालून से लिया हुआ है, स्वेटर्स है, सबसे लिया हुआ सब चीजें है। तो अभी तो मैं घर आ चुका हूँ, थोड़ा चिल करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद जाएंगे सोने, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।